दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को ठहराया जायज। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया घोटाले का सूत्रधार। अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है। भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से आज मुलाकात कर सकते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। जेल प्रशासन ने परमिशन मिलने का इंतजार। आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं, पहले वेल्लोर और मेट्टियुपालम में भरेंगे हुंकार, शाम को महाराष्ट्र के रामटेक में करेंगे पब्लिक मीटिंग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसा, 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस, हादसे में 12 लोगों की मौत, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख। 4 जून काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर के साथ देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कोलकाता में के दमदम में रोड शो किया और उनके रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। न्यूज 18 इंडिया से सुकांता मजुमदार ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, क्या उन्होंने कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के दमदम में ये रोड शो सुकांता मजुमदार की तरफ से, जिसमें भारी भीड़ देखी गई, बड़ी तादाद में समर्थक और कार्यकर्ता यहां पर जुटे। भाजपा राज्य अध्यक्ष सुकांत मजुमदार दमदम में रोड शो कर रहे हैं, पहला रोड शो है और देखिए भीड़ सड़क पर आपको दूर तक लोग नजर आएंगे। सुकांत दा, बालूरघाट में भी चुनाव चल रहा है, यहाँ पर आए हैं, कोलकाता में भीड़ तो काफी है। देखिए कोलकाता में दमदम जो लोकसभा है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोकसभा है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ये लोकसभा हम जीत चुके हैं, तो दमदम को कभी बीजेपी का घर माना जाता था, उसके बाद थोड़ा हम इसमें पीछे चले गए, तो आगे आने वाले समय में ये लोकसभा हमें जीतना है। और हमारे सिलभद्र जो दा हमारे कैंडिडेट हुए हैं उनको जिताना है। आपका चुनाव कैसे चल रहा है बालूरघाट में? देखिए बालूरघाट में चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, आगे आने वाले समय में बालूरघाट सीट भी दूसरी बार हम नरेंद्र मोदी जी को उपहार देंगे, गिफ्ट करेंगे। यही कारण है कि गृह मंत्री आ रहे हैं, पहली सभा गृह मंत्री जी का।